दोस्तों, अगर आपके स्मार्टफोन कहीं गुम हो जाए या फिर छूट जाए, उसे ढूंढे कैसे? अगर उसकी मिलने की संभावना ना के बराबर हो तो अपना डाटा, फोटो, कॉन्टैक्ट वगैरह कैसे आप सुरक्षित रख सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेखर, फिर से आप सभी का माई टेक एंड टिप्स यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप हमारे माई टेक एंड टिप्स यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ये आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि हम इसमें कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी और कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी के वीडियो अपलोड करते हैं, जो कि हिंदी में होता है और बिल्कुल फ्री होता है। दोस्तों, बिना समय गवाए आप यहाँ से हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मोबाइल पर यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में एक आसानी से तरीका बताने वाला हूँ। अपने स्मार्टफोन को ढूंढने के कई तरीके हैं। अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज करते हैं तो आप सबसे पहले जल्दी से अपना कंप्यूटर या फिर अपने दोस्त के मोबाइल पर या दूसरे मोबाइल में गूगल पर जाइए और सर्च कीजिए फाइंड माई डिवाइस। यहाँ पर आपको दिखेगा एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर, जो गूगल का है, इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर अपना जीमेल की यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन कीजिए। आप देख सकते हैं कि मेरा स्मार्टफोन दिख रही है, जो मैंने एक ही आईडी से लॉगिन किया हुआ है। यहाँ पर अपना फोन के ऊपर क्लिक करें, मुझे अपना स्मार्टफोन ढूंढना है, मैं इस फोन पर क्लिक किया। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिखेगी, रिंग, लॉक और इरेज। रिंग पर अगर आप क्लिक करेंगे तो फोन रिंग होना शुरू हो जाएगा और तब तक ऑफ नहीं होगा जब तक आप उसका पावर बटन को दबा नहीं देते। दूसरा है लॉक करने का, इससे आपका स्मार्टफोन लॉक हो जाएगा, कोई भी इसे खोल नहीं पाएगा सिवाय आपके। तीसरा है इरेज का, ध्यान रहे ये ऑप्शन आप तभी चुनना है जब आपको लगता है कि आपका स्मार्टफोन नहीं मिलने का संभावना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं अपना स्मार्टफोन पर क्लिक किया, यह अपना लोकेशन बता रहा है मैप में, ये फ़ोन इसी वक्त कहाँ है। इस मैप के मदद से आप पता लगा सकते हैं कि लास्ट टाइम आप किस जगह पर मोबाइल को गलती से छोड़ दिया हो, ताकि वहाँ जाके अपना फ़ोन कलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप दूसरा तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, रिंग का। जैसे ही मैं रिंग पर क्लिक करूँगा, मेरा ये फोन रिंग होना शुरू हो जाएगा। मेरा ये फोन रिंग होना शुरू हो गया। ये तब तक रिंग होता रहेगा जब तक मैं इसकी पावर बटन नहीं दबा देता। इसी तरह से आपको लगता है कि कोई आपके फोन को मिसयूज ना करे तो आप इसको लॉक कर सकते हैं। इसलिए आपको एक नया पासवर्ड चुनना होगा और ये जो पासवर्ड आप चुनेंगे, जब तक ये पासवर्ड को अपने स्मार्टफोन में एंटर नहीं करेंगे, तब तक कोई भी उसको अनलॉक नहीं कर पाएगा। और तीसरा, इरेज में आपको बहुत सावधानी से ये ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, क्योंकि आपके अगर अपना फोन मिल भी जाता है, उसमें रखा सारा डेटा इरेज हो गया होगा। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये ऑप्शन तब भी काम करेगा जब आपके फ़ोन के GPS ऑन हो और साथ ही साथ इंटरनेट ऑन हो। आपके फ़ोन को गूगल कॉन्टैक्ट कर सकता है, अगर फ़ोन स्विच ऑफ हो तो ये फीचर काम नहीं करेगा। तो इस तरह से आप अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन को लोकेट कर सकते हैं, रिंग कर सकते हैं और उसके डेटा को इरेज कर सकते हैं। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो iCloud पर लॉगिन करके भी आप अपने आईफोन को ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव होगा तो कमेंट करना ना भूलिए और इस वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो का जानकारी लगातार पा सकते हैं। माई टेक एंड टिप्स यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।